दोस्तों आज सुबह पहाड़ों में बारिश हुई, जिससे बगवाली पोखर में रामलीला मैदान के पास का गधेरा आने से बगवाली पोखर की रोड की कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो गई। तो आइए देखते हैं बारिश आने के बाद क्या हाल रहा बगवाली पोखर का। बारिश आती हुई यहाँ पे देखो, पाली पोखर में देखो यहाँ पे भारी बारिश होती हुई और यहाँ पे नाला आला हुआ और दुकान के अंदर पानी घुसता हुआ। और ये देखो ऐसे लोग देखो जूते हाथ में पकड़ के यहाँ पे आने के लिए मजबूर, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे बगवाली पोखर में लोगों को। ये देखिए कैसे लोग आने के लिए मजबूर हैं, रास्ता पार करने के लिए कोई दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं लोगों के पास। ये देखो दुकान के बधेर तक पानी चले गया। ये देखो लोगों का जमावड़ा, लोग बुबू जी आप क्या कहना चाहेंगे बाढ़ के बारे में, क्या कहना चाहेंगे बाढ़ के बारे में? क्या था, यहाँ बहुत बारिश हुई है, बाढ़ आ गई सर जी। ये तो बिल्कुल रोड, यहाँ तो रोड भी लॉक हो गई है। तो आप यहाँ से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पे ये पुल बनाया जाए, यहाँ पर पुल बनाया जाए, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो परेशान जो जनता है, जनता परेशान रहती है, यहाँ पर जाम लग जाता है यहाँ पे। और क्या कहना है यहाँ पर? और इससे ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे रोपाई हुई थी पीछे खेतों में, वो रोपाई बर्बाद हो गई। ये देखो ये बरसात से, यह अभी बरसात के दिन है यहाँ, तो बिल्कुल जो पुल नहीं है तो इसमें मतलब बरसात में सारे आदमी परेशान हो जाता है यहाँ पे। और ये ज़्यादा बरसात में यहाँ जनता बिल्कुल एक घंटा दो घंटा रुक जाती है पैसेंजर, और यहाँ मरीज का भी परेशानी हो जाती है, यहाँ पुल बनना ज़रूरी है यहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। एक और गाड़ी वाले यहाँ पे कोशिश करते हुए कि उनकी गाड़ी पार हो जाए, देखते हैं। आइसक्रीम कुल्फी का बोर्ड भी पानी में डूब गया है, लोगों का जमावड़ा लगता हुआ, लोग देखते हुए आनंद लेते हुए लोग इस दृश्य का, पर ये दृश्य आनंद लेने का नहीं है। ये देखिए लोग कैसे आने के लिए मजबूर हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पे लाचार, और यहाँ पे सारा कुछ सब कुछ पानी पानी हो गया। ये देखिए गाड़ी बीच पानी में खड़ी करके यहाँ पे सामान, अब इनको सामान दुकान में डालना है, पर ये कैसे डाले इनको पता नहीं है। पानी जो भी आ रहा है रामकोट वाले गधेरा से आ रहा है, और इसने पूरे बगवाली पोखर के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि जो बगवाली पोखर के पीछे रोपाई हुई है खेतों में, वो रोपाई सारी बर्बाद हो चुकी है, ये पानी जो भी आया है सारा बहा के ले जाएगा। पुलिस वाले आते हुए और यहाँ पे देखते हुए कि व्यवस्था कैसी है। नोट भी निकालने हैं, वो कैसे निकालने हैं? दोनों बैंक ऊपर है, ग्रामीण बैंक भी ऊपर है और स्टेट बैंक भी ऊपर है। पानी आने से यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है, जो भी गिनी चुनी गाड़ियां हैं वो सारी जाम का सामना करते हुए। ये देखिए इस साइड भी पूरा जाम लगता हुआ, पूरा जाम लगता हुआ। तो आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे और इन मुद्दों को गंभीरता से ले। अपने पहाड़ और पहाड़ी अपनी पहाड़ी संस्कृति को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर जाके वीडियोस का आनंद लें। धन्यवाद।